अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनों हज़रात, आपको ईद का पहला रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो, आपको ये मीठी ईद मुबारक हो। और आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ चूँकि मैं करने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी और मीठी बातें भी आपसे करनी है, अपने मेहमानों के साथ डिस्कस भी करेंगे, मेहमानों का तारुफ भी कराऊँगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी बात ये कि चूँकि ये वो पहली ईद है जो हमने दो सालों में मुख्तलिफ गुजारी, यानी कोविड के बाद हम अब गले भी मिल रहे हैं, मोहब्बतें बांट भी रहे हैं, एक दूसरे से खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। और यकीनन आपने नमाज पढ़ने के बाद तमाम रिश्तेदारों के गले मिलके उनको ईद मुबारक कहा होगा, बल्कि पार्सल नहीं किए होंगे खाने, साथ बैठ के खाए होंगे। तो हमने भी सोचा कि आज की जो शाम है, जो आज का दिन है, वो भी हम अपने बहुत प्यारे सितारों के साथ गुजारे। तो मैं बगैर अब वक्त के ज़िया के अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपको करा देती हूँ। तो मेरी लेफ्ट साइड पर बैठी हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिका शाहिदा मिनी साहिबा, जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है और पाकिस्तान का आप प्राइड है। जहाँ पर भी आप चली जाएंगी वहाँ पर आपके नाम के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद तो जरूर होगा। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद का पहला रोज़। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगी कि अल्फाज के साथ तो वो खेलते ही हैं, लेकिन जो वो बयान करते हुए अपने एक्सप्रेशंस के साथ खेलते हैं ना, तो रहमान फारिस, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो रहमान, क्योंकि हमने जो है आपसे शायरी भी सुननी है, आपकी बचपन के किस्से भी सुनने हैं, कहानियाँ भी सुननी हैं, तो आपको हमने फिलहाल जाने नहीं देना है। तो आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, साथ जो है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही सीनियर राइटर भी हैं, पोइट भी हैं और एक्टर भी हैं, और आप इनकी शख्सियत से बखूबी वाकिफ होंगे। इफ्तिखार इफ्ती साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, ईद का पहला रोज़ है। आपको और तमाम देखने वालों को और आपके चैनल को बहुत ईद मुबारक, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शाहिदा साहिबा आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, ईद का पहला रोज़ है, यकीनन आप फैमिली के साथ होंगी, बड़ी मेहरबानी कि आपने वक्त निकाला यहाँ पर आई। कैसे स्टार्ट किया, आगाज़ कैसे किया, और ये जो ईद हमने कोविड के बाद थोड़ी सी अच्छी ईद गुजार रहे हैं, कैसे गुजारे? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये कोविड के बाद ये वो वाली ईद है कि हम प्रॉपर गले मिल रहे हैं, लेकिन जब तक रहा है हम एक फासला रख के रहे हैं। और शुक्र है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली इस वबा से महफूज रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरी दुनिया हम समेत सफ़र कर रही थी। बिल्कुल, बहरहाल सफ़र अल्लाह ने तय कर दिया हमारा खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत नुकसान पूरी दुनिया में बहुत हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से थोड़ा अब बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, और शुक्र तो मैं हर वक्त खुदा का अदा करती हूँ, फैमिली के साथ, मुख्तलिफ खानों के साथ, मीठी मीठी सवैयों के साथ, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और आपके साथ भी तो है ना। सवैयों का जिक्र हुआ है तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं नुमान, उनसे भी हम कुछ ऐसी फरमाइश करेंगे इन द मिडल ऑफ प्रोग्राम के। नुमान, आप घर से जो लेकर आए हैं वो प्लीज़ यहाँ पर रख दीजिए, लेकिन रहमान फारिस मौजूद हूँ और फिर शायरी का जिक्र ना हो, मैं वो वहाँ पर भी आऊँगी, क्योंकि ये आपको पता है कि इट्स माई जोन। लेकिन रहमान, हमने ये जैसे कि मैंने इनसे सवाल किया कि ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, आपने कैसे आगाज़ किया, नमाज पढ़ने के बाद क्या सिलसिला रहा? बहुत शुक्रिया आपके चैनल की मैनेजमेंट का। मैं सबसे पहले तो सबको ये मुबारक देना चाहूँगा कि ईद की खुशियाँ, रौनकें, महफिलें, मजलिसें, वो बज़्म आराइयाँ, वो अंजुमन आराइयाँ सब पलट आई हैं, जिसके लिए हमें अपने खालिक़े कायनात का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार होना चाहिए। आपने बात की कि हम लोग अब घुल मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, तो मेरे दो शेर हैं कि ये क्या कि जब भी मिलो पूछ के बता के मिलो, कभी करो मुझे हैरान अचानक आके मिलो, और दुआ सलाम है क्या शय मुसाफिहा कैसा, तकल्लुफात को छोड़ो गले लगा के गले लगा कर मिलो। तो अब वो दौर पलट आया है, और मैं जिसके लिए हम सब लोग अल्लाह के आगे सरबसजूद हों, तो वो भी कम है, जितना शुक्र करे कम है। ईद का दिन स्टार्ट वही रौनक से हुआ, वैसे कहते हैं बच्चों की ईद होती है, लेकिन एक्साइटमेंट इस तरह की है क्योंकि हम बहुत अरसे के बाद ही वाली बड़ों का होता है ना जी, खर्चा बड़ों का होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह करे अगले दिन भी ऐसे ही अच्छे ही रहे। अच्छा, हम चूँकि अब छोटी ईद है और ये बच्चों की ईद, आपने खुद ही जिक्र कर दिया, और इसमें ईदी बड़ी ज़रूरी होती है, मुझे तो इससे बचपन की याद आ जाती है कि जब हम लाइन में खड़े हुआ करते थे और
चाचा आए हैं या मामू हैं उनसे ईद जो है वो वसूल करनी है और फिर वालदैन के साथ भी लड़ाई होती थी, तो आप सर आपका कोई किस्सा है ऐसा बचपन का जिसमें आपने ईदी इकट्ठे करते हुए लड़ाई की हो या ईदी इकट्ठे करते हुए बड़ी खुशी हुई हो? अच्छा, मेरा सिलसिला ये है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक एक बहुत ही, मेरे अब्बा जी सरकारी मुलाजिम थे और छोटे मुलाजिम थे, तो मैं हमारी ईदें होती थी हसरतों भरी, सवैयाँ और कपड़े तो मिल जाते थे लेकिन खिलौने नहीं होते थे, या उस वक्त संतना घर में, मैं लाहौर की पैदाइश हूँ तो वहाँ मेला लगता था नेहरू पार्क ग्राउंड में, तो वहाँ घोड़ सवारी के लिए पैसे जोड़ने होते थे तो हमें हमारे बचपन में चीज़ों के लिए बड़ा तरसना पड़ता था, हालांकि माँ बाप तो पूरी करते हैं लेकिन एक अमीर घराना। तो मैं अब आज जब ईद आती है, अभी मतलब आज मुझे बेटे ने कहा कि मुझे फला फला मोबाइल चाहिए, तो मैं उसको चेक दे दिया लिख के, मैं कह ले आ। तो मैं अपनी बीवी से कह रहा था, मैं कहा बेगम वो वाली ईद आज भी नहीं निकली जब बचपन में छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ने, फिर अगर कुछ खरीद लेना तो फिर दिखाना। मैंने एक 550 रुपए का बूट लिया था 87 में। आप यकीन करें कि गुजरांवाला से, गुजरात से मेरे रिश्तेदार देखने के लिए आए थे, यार ये बूट के हो जाएगा जरा 550 का। तो वो जो उस वक्त हसरत थी मोटरसाइकिल लेने के लिए, पैसे इकट्ठे करना, अब्बा को बेवकूफ बनाना, रिक्वेस्ट करनी, पैसे जोड़ने, फिर मोटरसाइकिल खरीदने के बाद सबको दिखाना, गया देखो यार मेरी मोटरसाइकिल। बिल्कुल। तो वो जो एफर्ट थी बचपन की, तो वो मेरा ख्याल ये है, मैं बात शायद इसलिए भी कर रहा हूँ कि वक्त सबका बदलता है, अल्लाह ताला चांस सबको देता है, हर वो इंसान। मैंने बहुत सारी ईदें पुराने कपड़ों में मनाई, नई ईद थी कपड़े पुराने थे। आज मुझे नहीं पता, आज तो सिर्फ ख्वाहिश करते हैं और जाके परचेज कर लेते हैं, तो मुझे वो वाली, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का करम है, लेकिन मैं मिस करता हूँ उस बचपन की ईद को, और मैं अपने बच्चों को सुना रहा होता हूँ जब वो ठंडी मशीन की गाड़ियाँ बैठ के मेरे से जा रहे होते हैं, कहते यार तुम्हें पता जी साइकिल थे अब्बाई के नाल ना, मतलब डंडे पे जुल्फी साहब और मैं बैठे में, पीछे अम्मा ने बहन को पकड़ा हुआ है करियर पे और अब्बा जी फूफो के घर लेके जा रहे हैं जी ईद वाले दिन। तो वो वाली खुशियाँ, वो वाली चीज़ें कहीं अंदर हैं, लेकिन ईद तो फिर ईद है। जहाँ तक आपने बात की कोविड की, शायदा जी ने भी उस पर रोशनी डाली, कोविड ने जो हिलाया और जो जुल्म ढाया, मैं बड़ा हैरान हूँ, हमारी कौम को शाबाश है, इसको कोई भी वक्त बुरा गुजरा, मैंने 54 साल मेरी उम्र है, मैंने बड़े बुरे बुरे वक्त देखे जो पाकिस्तान पे आए और गुजर गए। मजे की बात है, रिहैबिलिटेशन के लिए कभी कुछ नहीं किया गया, हम इतने जरखेज लोग हैं खुद ही रिहैबिलिटेट हो जाते हैं, खुद ही खुश हो जाते हैं। और कोविड के अंदर जो लॉस हुआ आप भी जानते हैं, 40% दुनिया के अंदर कारोबार खत्म हो गए, बेरोजगारी आई, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बता जी महंगाई आई जी, बिल्कुल तो जाहिर है हमें अपने, चूँकि बचपन एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जिसमें आप चूँकि लर्निंग प्रोसीजर में होते हैं, ईद आ रही है तो आपको ये पता है, मेरी भी ऐसी बहुत सारी ईदें गुजरी हैं जिसमें हमें मालूम है कि नए कपड़े हैं तो इन्हें पूरा साल बड़े संभाल के रखना है और ये हमें पता है कि ये ईद का जोड़ा है और ईद का जोड़ा बड़ा स्पेशल हुआ करता था। अब तो आपके पास मुझे यकीन है शायदा साहिबा कि बहुत बड़ी वार्डरोब होगी, सब कुछ होगा, आप नहीं मिस करती इन छोटी छोटी चीज़ों को जो हम वी ऑल बीन थ्रू ऑल दिस ईद? मैं चूंकि अकलौती औलाद हूँ और बहुत लाडली थी सबकी, तो मेरी ईद तो हमेशा ईद होती थी, हर दिन मेरा ईद का दिन होता था, खाला मामू चाचा नाना नानी दादा दादी, मतलब कि हर तरफ से मेरी ईद होती थी और मेरे पास इतनी ईद इकट्ठी हो जाती थी, ढेर सारे मेरे कपड़े होते थे, ढेर सारे मेरे जूते होते थे और इतने सारे मैं पैसे जमा कर लेती थी और बांट भी देती थी, मुझे हमेशा तकसीम करने की आदत है। वाह। तो मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि मेरी औकात से, मेरी सोच से ज़्यादा मेरे रब ने मुझे नवाजा दिया, मैंने जो सोचा जो मांगा मुझे फौरन दिया, मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। तो माशाल्लाह से, और मुझे वैसे भी बहुत शौक़ है ड्रेसिस का, बैग्स का, वी कैन सी आपको जब भी हमने देखा है आप खूबसूरत से खूबसूरत लगती हैं, हर एक मतलब एक कि आप समझ लें कि गुलदस्ता जैसे मुख्तलिफ फूल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं होती हैं, मेरे अंदर वो इस किस्म के शौक हैं और आज भी हैं, वो कभी मदम नहीं हो सकते, कभी ख़त्म नहीं हो सकते। बिल्कुल। और मैं जब जाती हूँ तो मैं सोच कर नहीं जाती कि मैंने क्या लेना है,
किस लिए जा रही हूँ, बस मैंने जाना है जो मुझे अच्छा लगेगा, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं ले लेती हूँ। तरसती नहीं से है, अल्लाह ताला तरसती नहीं, लेकिन अपनी बसात, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी जो है उसके मुताबिक मैं ज़रूर लेती हूँ। लेकिन जब मैं अपने लिए लेती हूँ तो मैं बहुत सारों के लिए लेती हूँ, अपनी फैमिलीज के लिए लेती हूँ, इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए लेती हूँ, अपने लिए लेती हूँ, कि जब मैं जाऊँ छोटों के लिए और अपनी माँ के लिए सबसे पहले लेती हूँ, और अपने स्टाफ के लिए भी, उनको जितना। और शायद इसीलिए आज आप जिस मकाम पर मौजूद हैं और लोग आपको इज्जत देते हैं, आपका एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। मेरा ख्याल से आपका ये डाउन टू अर्थ रहना और आजजी के साथ रहना, ये इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। मैं चाहूंगी, चूंकि आप आज मौजूद हैं और ईद का मौका है, तो अगले साल भी मौजूद हूँ, बिल्कुल इंशाल्लाह अगले साल अगर मैं यहाँ पर मौजूद हुई तो जरूर मैं आपको बदलूंगी। लेकिन कुछ गाना अगर हो जाए लेकर आई इसके बीच में तो क्या ही बात हो जाए। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा आवाज का जादू हम जगाते हैं, और जब हम इसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं वो लिखते ना डब्बे पे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, लेकिन शेर मुख्तलिफ होंगे, हम शायर मौजूद हैं उनसे पूछेंगे ये बातें। तो ये वो शायरी है। मैं बड़ा इंजॉय करती थी जब मैं आउटडोर जाती थी ना, तो हम बाय रोड जाते थे तो ट्रकों के पीछे ना बड़ा कमाल लिखा होता था, बिल्कुल। तो मैं बैठी बैठी ना अपना टाइम ऐसे पास करती, पढ़ती रहती थी मैं पीछे जो ट्रक के पीछे, मैं कि वाह जी वाह क्या शायरी, बिल्कुल। क्या तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ट्रक वाली शायरी सुनाओ। नहीं, आप अपने अपना अपना गाया हुआ हमें जो है, हम चाहेंगे देखने सुनने वाले जो है वो महसूस हो। जी जरूर जरूर, चूंकि माइक हमारे पास मौजूद है, अच्छे सुनने वाले, और आप भी माशाल्लाह अच्छा शौर रखते हैं और अच्छे शायर और अच्छा समझने वाले लोग बैठे हैं, तो जब ऐसे लोग होते हैं तो दिल करता है कुछ अच्छा सुनाने को। नहीं तो मैं कभी 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 खरी खरी भी सुना देती हूँ लेकिन आज मैंने सोचा जब मेरा बड़ा, मैं देखती हूँ अच्छे लोग सुनने वाले हों, अच्छे तो सभी हैं, कि अच्छी शायरी अहमद फराज साहब, क्या कहने, निसार बज़मी साहब, जबरदस्त, मेहंदी हसन खान साहब, वाह, मोहम्मद अली साहब, ये वो लोग हैं, एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता, बिल्कुल, जिनकी खुशबू हम आज भी महसूस करते हैं, हमेशा करते रहे। और एमन कल्याण, वाह जी वाह, सोने पे सुहागा, वाह जी। तो आप लोगों की नजर क्या कहने, जरूर जी जी जरूर, जरूर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, आप ब्रेक पे गए थे तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी ब्रेक जो है वो एंजॉय कर लूँ। कॉफ़ी का कप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहमानों के साथ हमने बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। तो जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक सुना और हम भी महसूस हुए, आप भी हुए। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि गाना और ये म्यूज़िक ये तो हमारा हिस्सा है हमारी सोसाइटी का, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आपको आपकी रूह को जो है वो सुकून भी पहुँचाता है। लेकिन शायरी की अगर बात ना हो तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो रहमान, हमें याद है वो टाइम जब हम कार्ड्स एक दूसरे को दिया करते थे, और वो एक एक रुपए वाला कार्ड भी मुझे याद है जिस पर फिल्मी सितारों की तस्वीर हुआ करती थी, और पीछे हम कुछ लिख कर दोस्तों को देते थे, और वो एक एक रुपया इकट्ठा करना, जोड़ना और वो शेर लिखना। आपने भी ऐसे काम किए? बिल्कुल किए हैं जी। मैं आपको बताऊँ कि वो चीज़ें जो मतरूक हो चुकी हैं, जो हमारी कलेक्टिव सोसाइटी की साइकी से गायब हो चुकी हैं, बल्कि उनका कत्ले आम हो चुका है, ये सब शायरी उनकी बाज़ियाफ्त की एक शक्ल है, एक सूरत है। खतूत, पहले ख़त लिखे जाते थे, कुछ लोग खून से ख़त लिखते थे, कुछ लोग खुशबू भरे ख़त लिखते थे, डाकिए का इंतज़ार हुआ करता था, सुर्ख कलर का लेटर बॉक्स जो है वो हमेशा मुंतज़िर रहा करता था, महबूब का ख़त आए या महबूब को ख़त जाए। वाह। रेलवे, रेल जो है वो एक उसकी सिटी के साथ ऐसा रोमांस एसोसिएटेड था, जबरदस्त। माशकी आता था आपके मोहल्ले में पानी छिड़कने के लिए, बिल्कुल। ढोलची आता था आपको रोजे में जगाने के लिए सहरी के वक्त। ये सब वो चीज़ें हैं जिनका तेज रफ्तारी ने और उजलत पसंदी ने कत्ल कर दिया। शायरी इन तमाम मकतूलों को, इन तमाम मतरूक किरदारों को दोबारा जिंदा करने का नाम है। वाह, वही किरदार जो है उन्हें हम कोशिश करते हैं कि अपने फेस्टिविटी में दोबारा लाएं। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि शायर के अंदर
हैरत तहय्युर और हैरानी वाला बच्चा हमेशा ज़िंदा रहता है, सिर्फ शायर के अंदर ही नहीं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिंगर, आर्टिस्ट, या आप स्कल्पचर बनाने वाले हों या आप पेंटर हों, आपके अंदर की हैरत नहीं माननी चाहिए। खालिद अहमद मरहूम का एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा शेर है, सुनिएगा कि खुला मुझ पर दरे इम्कान रखना। वाह वाह। खुला मुझ पर दरे इम्कान रखना, मेरे मौला मुझे हैरान रखना। वाह। अगर आप हैरान रहते हैं और तहय्युर से गुजरते रहते हैं तो आप पे आर्ट के दरवाजे और आप पे हैरत के दरवाजे खुले रहते हैं हमेशा। शायरी के हवाले से आप पूछ रही थी तो कुछ मैं शेर ईद के हवाले से पेश करना चाहता हूँ, वो फेस्टिविटी जो अब लौट आई है अल्लाह के लाख लाख करम से। शायद शेर देखिएगा कि ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज। वाह, वाह, ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज, इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबास ईद में तस्वीर भेज। वाह, ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज, आ गले मिल या लिबास ईद में तस्वीर भेज, तेरी खुशबू और खनक मैं खत से कर लूंगा कशीद। वाह, तेरी खुशबू और खनक मैं खत से कर लूंगा कशीद, चूड़ियों वाले हिनाई हाथ की तहरीर भेज। आ, हा, हा। चूड़ियों वाले हिनाई हाथ हिनाई की तहरीर हाथ भेज। और ये कोविड पे था कि देखकर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे, देखकर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे, ऐ खुदा कोई गदागर या कोई राहगीर भेज। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखकर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे, ऐ खुदा कोई गदागर या कोई राहगीर भेज, और मेरी आंखों को न दे आधी अधूरी बख्शिशें, मेरी आंखों को न दे आधी अधूरी बख्शिशें, ख्वाब वापस छीन ले या ख्वाब की ताबीर भेज। वाह वाह, बहुत, ख्वाब वापस छीन ले या ख्वाब की ताबीर भेज। और ये शेर देखिएगा फरवा स्पेशली के, ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया, ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया, मेरे पैरों के लिए पायल नहीं जंजीर भेज। मेरे पैरों के लिए पायल नहीं जंजीर भेज। और आखिरी शेर है कि दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल, दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल, इस गजल को चुपके चुपके वादिए कश्मीर भेज। बहुत शुक्रिया, अच्छा, बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, और आपने जिस तरीके से समप कर दिया है सब कुछ, इसके लिए जितनी भी दाद दी जाए इफ़ी साहब कम है, जाहिर है। लेकिन मैं वापस टॉपिक की तरफ, क्योंकि आप लोगों से शायरी तो मुझे सुननी है और हम बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, सिंस फारिस ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमने क्या क्या मिस आउट कर दिया है इस बदलती जदीद दुनिया में। जाहिर है हम उस तरीके से अब इन्वॉल्व हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के साथ भी कि हमें शायद अपने लिए भी वक्त दरकार नहीं है। तो अभी जब आप ईद मनाते हैं तो क्या कपड़ों की सिलेक्शन या ईद की खुशी या उसी तरीके से पुरमुसरत होता है कि भाई एक एक चीज़ लिखी जा रही है, क्योंकि नॉर्मली घरों में यही होता है कि आपने क्या पहना है, आपने क्या पहना है डिसाइड होता है, तो ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं या नहीं, ये मिस आउट हो गई हैं? देखिए फरवा, पर्सनली अगर मैं तो अपनी बात करूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पंजाबी का गाना था ना कि हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। हाँ। तो बाबा जी इशफाक साहब के मिलने के बाद अब वो दिन चले गए हैं, द डेज ऑफ ग्लोरीज आर लॉन्ग पास्ट, बल्कि कहना चाहिए द डेज ऑफ ग्लोरीज आर स्टिल। वो दरअसल मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कपड़े क्या पहन रखे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि क्या मैंने सामने वाले की इज्जत नफ्स तो पामाल नहीं की, अरे, क्या मैंने उसकी इज्जत में कोई कमी कोई कोताही तो नहीं की, क्या मेरे मुँह से कोई ऐसा लफ्ज़ या ऐसा जुमला तो नहीं निकला जो सामने वाला दिल चीर दे। तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इससे पहले कहा मैंने बहुत सारी नई ईदें बहुत सारे पुराने कपड़ों के साथ मनाई हैं, और मैं उन्हीं कपड़ों में ईद के वॉक भी कर लेता हूँ, मैं उन्हीं कपड़ों के अंदर जॉगिंग भी कर लेता हूँ, मैं किसी फंक्शन में भी चला जाता हूँ। तो मुझे मेरी बेगम साहब वो कहती है सुनिए आप क्या कर रहे हैं अभी जॉगिंग करके आए, ये पहने, मैं कहता अच्छा यार दे दे यार, क्योंकि उसने मेरे कपड़ों से उसको कुछ नहीं, देखिए शायद मिनी जी है ना, ये तो खैर खुश लिबासी इनका शुरू से एक अंदाज रहा, अदरवाइज ये तो मतलब बुरका पहन के सिर्फ आ जाए ना तो शायद मिनी, तो शायद मिनी है बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो मेरा ख्याल ये है, मुझे ऐसा लगता है, बच्चे मेरे वैसे ही हैं क्योंकि वो मेरी जगह पे खड़े हैं, यहाँ कल मैं था, उनका ये होता ये कलर नहीं पहनूंगा ये पहनूंगा ये नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे
बचपन में एक ब्रांड था मेरी जवानी में, तो जब मैं शॉपिंग करने के लिए जाता था तो मैं वहाँ जाकर, जब शादी नहीं हुई थी तो मैं पूछता था ये सूट कितने का है, तो वो कहता था 150 रुपये का, तो मैं 60-65 रुपये वाला, 150 रुपये का, हाँ जी, ये भी दौर था 86, 87, 88, तो मैं वो जो दूसरा 60 रुपये वाला ले आता था। आप यकीन करेंगे कि मैं शादी के बाद मेरी बीवी भी जब जाती थी शॉपिंग करने मेरे साथ, मैं जाके पूछा कितने का, कहता 2500 रुपये था, तो मैं फिर 1100 वाला ले आता था। तो मेरी बीवी पूछती थी अब क्या करते इस ब्रांड को, हमेशा पूछते हैं लेते नहीं हैं आप, मैं कहा यार पैसे ही नहीं है। आज पिछले 10 साल में मेरे पास सारे उसी ब्रांड के कपड़े हैं, जबरदस्त, और ढेर लगे हैं। मेरी बुढ़ी कहती है कि मैं क्या लेटा कटन डे है, मैं उसले खरीद नहीं सी सकता ना, उन्हें सारे ही ने, मतलब मैं इनमें सोऊंगा भी, इनमें जॉगिंग भी करूंगा, इन्हीं को पहनूंगा, पुरानी हसरतें पूरी। हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए जी, हलाल देखे बिल्कुल लीगली जो आप कर सकते हैं वो तो आपको करना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी क्या है। तो मेरा ख्याल है अब पता है क्या है, मैं माफी चाहती हूँ आपकी बात में बोल रही हूँ, अपना हमारा इतना दिल नहीं करता है कि हम नए कपड़े पर पहने, ऐसा ही है ना जी, लेकिन सुन्नत है कि हमने एक कुर्ता तो लॉन का मौसम के हिसाब से पहन ही लेना होता है, अपनी दिल करता है। अच्छा मुझे बताएं कि ऐसा ही है ना, ठीक है, सही कह रही है, बिल्कुल कुर्ता पहन लिया यार किसी के, हाँ बच्चे पहने, और मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चों की ईद है, हमारी भी ईद है, हम सब मुसलमानों की ईद है। अच्छा मुझे ये याद पड़ता है क्योंकि सॉरी आपकी बात रह गई थी, आप अपनी बात डिस्कशन करनी है कि ईद से पहले बाकायदा तौर पर ये रिवायत हुआ करती थी, बल्कि ये होना चाहिए, अभी भी हम मिस आउट कर रहे हैं, जैसे रहमान ने कोट किया है कि हम बाकायदा अच्छे कपड़े निकाला करते थे किसी को देने के लिए, या हमें भी कोई बहन या बड़ा भाई जिसने अच्छा सूट सिलवाया हुआ था, नहीं पहना है ये तुम पहन लो, ये सब चीज़ें चला करती थी। क्योंकि आपने कहा कि आप यू आर दी ओनली वन, तो आपके बहुत लाड़ और नखरे तो उठाए गए होंगे, क्या कभी आपने अपने इर्द गिर्द ये देखा ट्रेडिशन के कपड़े जो हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ दिए जा रहे हैं, फिर पहने भी जा रहे हैं, इस तरह का ट्रेडिशन आपने देखा? क्योंकि आपने तो बहुत सारी पीछे ले गए मुझे, मेरी पैदाइश से भी पीछे ले गए। तो ये कोई, एक तो पहली बात तो ये कि मैं अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को देती नहीं देती, मैं जब जिसको भी दूंगी नया सूट लेकर, ठीक है, तो ये नए कपड़े आप लेके देती हैं? नए कपड़े लेकर देती हूँ, पहना हुआ मुझे नहीं अच्छा लगता। तो हाँ बच्चियाँ जब जो काम करती हैं उनको मेरे कपड़े आते ही नहीं, और मेरे जिस टाइप के कपड़े हैं उनको सिलवा कर नए कपड़े ही देते हैं। अगर बहुत हुआ कि अगर देख रहे हैं कि ये देने वाले कपड़े हैं, देने वाला सामान है, तो कुछ किसी फाउंडेशन में मैं भिजवा देती हूँ, जबरदस्त, कि उनके काम आ जाए, वेरी नाइस, उनके काम आ जाए। अच्छा खाने पकाने का शौक या उनको फंड्स मैं आ रही हूँ, हाँ। या कुछ जो दे सकते हैं वो भिजवा देते हैं। मैं पहना हुआ कपड़ा अपना कभी नहीं देती, कभी नहीं देती। लेकिन ये है कि खाने पकाने की बात करें, हाँ खाना पकाना, मीठी ईद है भाई, भूख लग जाती है। मैं सर्दियों की कुक हूँ, सर्दियों की, हाँ, और मूड आग के पास खड़े रहने और मूड की हूँ। अगर मेरा दिल करेगा तो फिर मैं, आप यकीन जाने कि मैं 10-10, 12-12 डिशेस भी बना लूंगी। अच्छा सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? रहमान को भूख लग गई है पागल, मैं बता रही हूँ पागल सबसे अच्छा बनाती, पागल में कोई डिश नहीं है, वैसे भी शायद कहेंगे कोरमा, हर टाइप की चीज, मतलब कि मैं तो कुछ पता नहीं होता है मेरी, अपने जहन में होता है कि मैंने क्या बनाना है, मैं कोई किताब नहीं देखूंगी, कुछ इन्वेंट कर लेती हूं, किसी को देख कर नहीं बनाऊंगी, ऐसा ही हुआ होगा कि मेरा अपना जो दिल करेगा मैं खुद अपनी मर्जी से बनाती हूँ, तो अल्लाह करके अच्छा हो ही जाता है, और खाने वाले तारीफ कर ही देते हैं। मैं तो अक्सर औकात जो है जब किचन में जाती हूँ तो मैं मूड बना लेती हूँ, मैं यही बना सकती हूँ। वैसे एक हैरत की बात देखिए कि दुनिया भर में जो बेस्ट शेफ्स हैं, हाँ, जो बेस्ट कल्नरी डिलाइट्स बनाने वाले कुक्स हैं, दे हैपन टू बी मेल्स, ऑल ऑफ एग्जैक्टली, आई डोंट नो इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि खाना पकाना भी शायरी की तरह और पेंटिंग की तरह एक तख्लीकी काम है। आपने तवाज़ुन, रिदम, तनासुब, इम्तिज़ाज को बिल्कुल बैलेंस्ड रखना होता है। इंग्रेडिएंट्स में से अगर एक ज्यादा हो जाए और दूसरा कम हो जाए तो उसका हुस्न जैसे शायरी में कम हो जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही है, वाह वाह, इसमें से मोहब्बत, प्यार, चाशनी किसी एक भी चीज को कम करेंगे तो ये भी हल्की सी हो जाएगी, बेमज़ा हो जाएगी। जैसे हल्की सी नमक की तलखी होती है, इसी तरह जिंदगी में भी हल्की पुल की तलखी ना हो तो मिठास का मजा नहीं आता। बिल्कुल, जैसे गालिब का शेर है कि आपको जो तारीकी है, जो अंधेरा है, उसी से नूर और रोशनी की कदर का पता चलता है। अगर तारीकी ना होती, अगर शर ना होता, तो खैर की कदर व कीमत को जानने के हमारे पास सलाहियत और तौफीक ही ना रह जाती। एग्जैक्टली, वेल सेड, आपने इतने खूबसूरत नोट पे इसे कहा है कि मुझे, चूँकि ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इसी रोशनी
की बात करेंगे जो हमें अब नज़र आ रही है, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान, चूँकि ये सब अपनी अपनी जगह पर बहुत फलाही काम कर रहे हैं, किसी को खुश करना, मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर लेकर आना, ये भी फलाह है। तो ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ईद का ये पहला दिन है और अमूमन ये होता है कि लोग अपनों के साथ ईद मनाते हैं और मनानी भी चाहिए, वो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि हमें अपनों के साथ भी थोड़ा टाइम गुजारना है और फिर वापस काम पर भी आना है, क्योंकि हमारे मेहमान जो हैं वो भी इसी तरीके से थोड़ी ईद घर में मनाते हैं और फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे बुलाने पर। ये बड़ी ही खूबसूरत बात है कि सर हम जब आपको बुलाएं आप तब आ जाते हैं, और ये मोहब्बत है, जाहिर है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मुझे बताएं कि हम चूँकि हम इतनी सारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और फिर रहमान ने चूँकि ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा खूबसूरत नोट हमें दिया कि अगर अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी का पता नहीं चलेगा, नमक नहीं होगा तो मिठास का मालूम नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। तो क्या हमारे मुआशरे में आर वी एट दिस प्लेस, इस स्टेज पर आ गए हैं कि हमें अब बैलेंस आउट करने की समझ आ गई है, कोविड गुजरा है, दूरी गुजरी है, या नहीं अभी भी हम सीखने की स्टेज पर हैं? फरवा देखें, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। शायदा मिनी जी हैं, ये अपनी संगीत से तालीम दे रही हैं लोगों को। बिल्कुल, ये शायरी से कर रहे हैं, मैं शायरी से कर रहा हूँ या मैं लिखता भी हूँ किताब के ज़रिए या अफसाना के ज़रिए। जितना बैलेंस माशरा आपका है पूरी दुनिया में नहीं है। मैं इनसे ज़्यादा तो मुल्क दोनों से नहीं घूमा, लेकिन मैं भी कुछ 7-8 मुल्क घूमा हूँ। सबसे विजडम ऑफ ईस्ट जो हमारे पास है किसी के पास नहीं है। कोविड के दौरान मैं आपको बताता हूँ, जब 1.5-2 महीने गुजर गए, मैं तो खैर बाहर जाता था और पता नहीं ये लोग क्या समझेंगे, मैं तो सबसे गले मिलता था। मैं क्या जेड़ी आनी हो आ जानी, तो पाई जब भी पा, नहीं पानी तेरी मर्जी, कोने मिलानी कोने मिला, नहीं जी कुछ अलहमदुल्ला। वो हुआ ये कि जब 1-1.5 महीना गुजर गया तो मेरी बेगम ने मुझे कहा कि बच्चियां बेचारी तंग हो गई, मेरी 2 बेटियां, मेरे घर में बड़ा मतलब मज़ेदार काम होती है, एक बेटा 20 साल का, दूसरा 19 साल का, तीसरा 16 साल का, एक बेटी 8 साल की, एक बेटी 4 साल की। तो मैं अक्सर कहता हूँ मेरी बेटी मुझसे 48 साल छोटी है। तो कहती बाबा हमने बाहर जाना है। तो मैंने कहा अच्छा यार, मैंने मास्क लगाए, गाड़ी स्टार्ट की, उनको बिठाया। अब हम जब रोड पर आए हैं, आप यकीन कीजिए कि कोरोना सिर्फ हमारी गाड़ी में था और कहीं भी नहीं था, बाहर तो लोग फिर रहे थे सारे। और सबसे अच्छी बात, ऐसी जेनरस, ऐसी सखी कौम है। मैंने लोगों को 5-5 हज़ार के नोट बांटते देखा, मैंने लोगों को देगे बांटते देखा, मैंने लोगों को राशन बांटते देखा। खुदा की कसम, मैंने कहा या अल्लाह कमाल है यार, हम तो अभी 10-15 हज़ार रुपये दे के पत्नी मैं हातम ताई की कब्र पर लात मार देता हूँ। क्या बात, खुदा की कसम, ऐसी जेनरस कौम। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, अभी 23 मार्च में मैं मैनचेस्टर में होती है हमारी कारवाने अदब की एक कॉन्फ्रेंस, इस्तकामे पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, उसके लिए मैं गया हुआ था। अभी वहाँ जो मुकर्रर आया, कह जी पाकिस्तान बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान बेड़ा गर्क हो गया। अब जो आगे बात करी, अब मेरी बारी है, मैं कि यार मुझे दिखाएं कहाँ बेड़ा गर्क हो गया। 23 करोड़ लोग हैं हम, 23 करोड़ लोग सड़कों पर निकलते हैं, काम करने जाते हैं, बेटियाँ ब्याहते हैं, इनके दामाद कई जो बुरे दमाद हैं वो बेटियों को मारते भी हैं, इनकी बेटी को तलाक भी होती है, इन्होंने पैसे पत्नी कहाँ से इकट्ठे करने होते हैं। यार ये जीते हैं, इनको जीने का फन आता है, ये ईदें मनाते हैं, ये दाता के मेले पे जाते हैं, ये मुहर्रम के अंदर अफसोस करते हैं, खुशियाँ ईद पे मनाते हैं, पुरसा देते हैं जी। ये बड़े अच्छे लोग हैं, 23 करोड़ जहाँ इंसान रहते हों और वहाँ गुर्बत और तालीम का ये मेयार हो, खुदा की कसम 1 लाख कत्ल रोज़ हों, 1 लाख डकैतियाँ रोज़ हों, 1 लाख गाड़ियाँ रोज़ चोरी हों। मुझे स्टैटिक्स ना बताइए बाहर के, मेरा मुल्क मेरा वतन, खुदा की कसम इसके लोग बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन, इतने प्यारे लोग हैं, इतने। मुझे शायदा मिनी जी तो जानती होंगी, रहमान भाई भी, मुझे 2-4 ड्रामों के बाद अभी थोड़ी सी शोहरत जो मिली है, मैं हैरान हूँ। बहुत ही बहुत ज़्यादा है आपकी का मुसाहिरा, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, आपको लोग बहुत जानते हैं। नहीं शायदा जी, आप लोग, आप यकीन करें इस तरह से एक आपकी पूरी एक फैमिली है, खानदान है आपका, सब आर्ट से मुंसलिक है सब, और आपने अपना नाम अपना मकाम मेरिट पे अपनी मेहनत से बनाया। ये मेरे मालिक की देन है और आपकी मोहब्बत है, माशाल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज ईद के मौके पे, ये ईद बड़ी अच्छी ईद है और बड़े अच्छे लोग मना रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी दुनिया के सबसे अजीम कौम। और आप यकीन कीजिए, मैं शायद हूँगा नहीं, हूँगा या नहीं हूँगा, लेकिन जब पाकिस्तान फ्लोरिश करेगा और हर घर में
खाने को रोटी होगी और हर चेहरे पे खुशी होगी। तो आप लोग उस दिन ज़रूर याद कीजिएगा कि इफ्तिखार इफ़ी ने ये कहा था, ये मुल्क सिर्फ तरक्की करने के लिए बना है। और ये तनजली जो आपको नज़र आ रही है, ये सिर्फ सोशल मीडिया वॉर है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, ऐसे हो गया। मुझे बताइए, एक एक कत्ल होता है, शेयर कितने कर रहे होते हैं, 7 करोड़ आईडीज। ओ भाई, एक कत्ल हुआ है, अगर एक मर्द मरा है तो 12.5 करोड़ सेहतमंद है और खैरियत से हैं। तो आप इस रेशो को समझ लीजिए। नहीं, आप बहुत अच्छी आपने इस पे बात की है, क्योंकि इसका ताल्लुक सेंसिटिविटी से है। और ईद पर भी हम बातचीत कर ही रहे, लेकिन सेंसिटिविटी एक शायर के अंदर बड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप शायर हैं और अगर आप आर्टिस्ट हैं, मैं यूँ कह दूँ, तो आप बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो रहमान, आपने कैसे ये कब रियलाइज़ किया, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे थे, हम बहुत साल पहले भी मिल चुके हैं, और तब आपने जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ इसका शुरू कर दिया। बहुत सालों से आप कर रहे थे, लेकिन आपकी शोहरत जो है वो अब पीक पर चली गई है। तो कब रियलाइज़ किया कि मैं इतना सेंसिटिव हूँ कि मैं मुआशरे की तलखियों को, खूबसूरतियों को अल्फाजों के थ्रू लिख सकता हूँ, शायरी कर सकता हूँ? आई थिंक जैसे हमारी रिकॉर्डिंग से पहले बात हो रही थी कि अ पोएट और एन आर्टिस्ट इज़ नेवर मेड, ही और शी इज़ बॉर्न विद द टैलेंट, विद द कैपेबिलिटीज़। ये महर है, बिल्कुल। तो ये जो आपके अंदर मिसरे के तनासुब, तवाज़ुन, रिदम और बैलेंस का को पहचानने का इदराक, सलाहियत या कैफियत होती है, ये अल्लाह की ख़ास अता और वदियत और नेमत है। मैं आपको बताऊं कि ये बचपन से आप रियलाइज़ कर लेते हो कि आपका टैलेंट किस तरफ को मूव करना करेगा, आपका रुझान किस तरफ है। तो सेल्फ़ रियलाइजेशन, या जैसे इकबाल कहते हैं, खुद ही की पहचान ही असल चीज़ है। अगर आपको कहते हैं कि एक वो दिन आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है जिस दिन आप पैदा हुए, और दूसरा वो दिन इंपॉर्टेंट है जब आपको खबर हो जाती है कि मैं क्यों पैदा हुआ। वाह वाह। तो चाहे आपको खबर हो कि आप शायरी के लिए, अदाकारी के लिए, मौसीकी के लिए, संगीत के लिए पैदा हुए हैं, वो रियलाइजेशन आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन लम्हा होता है। तो मुझे ये बचपन से, लड़कपन के दौर से, जो तुकबंदी नौमश्की का आगाज़ सुखन का दौर होता है, उससे ये रियलाइजेशन हो गई थी कि मुझे तनासुब अच्छा लगता था। अब देखिए, तनासुब अगर सुरों में हो, शायदा साहिबा, तनासुब अगर 7 सुरों में हो, तो वो अच्छा राग या संगीत या लयकारी का एक बहुत बड़ा खूबसूरत मज़हर बनता है। अगर अच्छे लफ्ज़ों में हो तो अच्छी गज़ल या नज़्म बनती है। अगर अच्छे खदुखाल में हो तो अच्छा चेहरा बन जाता है, और अगर अच्छे रंगों में हो तो खूबसूरत पेंटिंग बन जाती है। तो तनासुब अच्छे इंसान में हो तो बाबा जी इश्फाक साहब जैसे लोग। तो ये तनासुब सबसे खूबसूरत चीज़ों के तवाज़ुन का नाम है। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मुझे एक बचपन से एक इदराक हुआ, उसके बाद आपको ये नेचर वर्सेस नर्चर का जो एक बहस है कि आपने सीखा कि आपको सिखाया गया, तो वो एक बहस है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अहबाब में, दोस्तों में, बज़्मों में, महफिलों में क्या देखते हो, क्या सीखते हो। तो हमने भी अहमद नदीम कासमी साहब से लेके अहमद फराज साहब, इन सब लोगों की जीतियाँ सीधी की हैं, वहाँ से जो कुछ थोड़ा बहुत कस्बे फैज़ और कस्बे इल्म हुआ है वो लेने की कोशिश की है। तो आज मेरे मिस्रों में अगर अल्हम्दुलिल्लाह लोग उससे रिलेट करते हैं, और उनको जो भी खूबसूरती या नज़ाकत या नाजुकपन नज़र आता है उनकी जुज़ियात में, उनके जज्बात में, तो वो इन्हीं सभी बुज़ुर्गों की देन और अता है। मेरा अपना कुछ नहीं है। वेल सेड। लेकिन मैं यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, और वो मोहब्बत से रिलेटेड है। वो क्या क्वेश्चन है वो मैं ब्रेक पर जाने के बाद, आने के बाद बल्कि बताऊँगी, लेकिन उससे पहले हमें एक ट्रैक जो है वो सुनना है, क्योंकि मेलोडी क्वीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और सुन रहा हूँ तो फिर सब कुछ फीका फीका लगता है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा कुछ हम अब सुन लें। हाँ, सुन भी लें, देख भी लें। देख तो हम रहे हैं, और इतनी खूबसूरत शख्सियत साथ बैठी हुई है, सामने है मेरे, तो देखना और सुनना अगर दोनों हो जाएं तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेईमान कंगना हो जाए, है ना? बिल्कुल। ओके जी।